माइक ऑन। ओम चतुर्थ अध्याय यजुर्वेद अध्याय 33 सूक्त 1। ओम अस्य अजरासो दमाम अरित्रा अर्चत्थुमासो अग्नयः पावकाः स्वतीचयः स्वात्रासो भूरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमाः। मंत्रार्थ, अस्य इसका अजरासो जरा रहित जीर्ण होने वाला दमाम दयालुओं को अरित्राहा शत्रुओं से बचाने वाले अर्चत धूमासो अर्चित कंपन धूम कंपितों की अर्चना करने वाले अग्नयः प्रगतिशील अग्रणी पावकाः पवित्र कारक स्वतीचयः श्वेत शुभ्रता तीक्ष्णता गति वृद्धि का चयन संचय करने वाले स्वात्रासो द्रुतगामी भूरण्यवो धारण पोषण करने वाले वनर्षदो वनवासी शब्द वाणी में स्थित याचकों में स्थित वायवो वायु के न समान सोमाहा ऐश्वर्य में सृजनकारी प्रेरक हैं। भावार्थ, अस्य अर्थात इसका का भावार्थ परमात्मा है। अस्य एक वचन है। परमात्मा का गुणकर्म स्वभाव कैसा है इसका वर्णन किया गया है। गुणवाची शब्दों अथवा विशेषणों को वचन बहुवचन में रखा गया है। इसका अर्थ है कि परमात्मा के गुण अनंत हैं। बहुवचन होने से इन विशेषणों को उसके उपासकों के मानना भी उचित है। धात्वादि निरुक्त, अस्य सर्वनाम अजरासो अ उपसर्ग जृ वृद्धि होना जीर्ण होना दमाम दम दमन करना दया करना समन करना जीतना अरित्रा री गति करना व्याप्त होना महत्व दिखाना हिंसा करना त्रयी रक्षा करना पालन करना अर्चत धूमासो अर्च पूजा करना मान करना धू कंपन करना कंपित होना अग्नयः अग गति करना अग्रणी होना पावकाः पू पवित्र करना स्वच्छ करना स्वीतिचयः सो तीक्ष्ण करना पैना करना स्वी जाना बढ़ना स्वात्रासो स्व नहीं सव स्व क्षिप्र गति होना भूरण्यवो भूरण पालन करना धारण करना वनर्षदो वन शब्द करना सेवा करना अलग करना मिलाना स्मरण करना उत्पन्न होना याचना करना सद श्रद बैठना वायवो वय जाना उड़ना वा गति करना गंध होना प्रवाहित होना प्रवाहित करना वी जाना व्याप्त होना इच्छा करना भेजना खाना वे बुनना रचना करना सृजन करना न अव्यय सो माहा सु उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना सु प्रेरणा करना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रथम मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एकादशी में यजुर्वेद एकादशी में अथवा कहें यजुर्वेद के इन अंतिम एकादश अध्यायों में यजुर्वेद के इस सप्तम शिव कांड में यह सबसे बड़ा अध्याय है। सत्तानबे मंत्र लगभग शतक इस अध्याय में है। यह अध्याय अभी पर्याप्त समय तक स्वाध्याय में रहेगा तो
आयुर्वेद एकादशी आप सबके पास हो तो सुविधा होगी, जिनके पास भी है निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा है, नहीं है तो जैसा भी कुछ है कुछ तो लाभ मिलेगा ही। यजुर्वेद अध्याय 33 प्रथम मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्य अजिरासो दमाम अरित्रा अर्चद्धूमासो अग्नयः पावकः श्रुतिचया स्वात्रासो भुरण्यो वनर्षदो वायवो न सोमा। अस्य इसका अजरासो आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में जरा जो जरा रहित हैं अजरासो बहुवचन है, यह वैदिक प्रयोग है अर्थात वैदिक भाषा में ही ऐसे रूप बनते हैं अजरासो देवासा अजरासा, संस्कृत भाषा में नहीं होते, संस्कृत भाषा में ऐसा मान्य नहीं है। संस्कृत में अजराहा होगा, अजरासा या अजरासो नहीं होगा, अजरासा ही है विसर्ग का वो संधि के उससे हो जाता है, तो एक ही बात है। आ जराह जो जरा रहित हैं, जरा जीर्ण होना वृद्ध होना ये अर्थ में है, ये धातु का एक अर्थ स्तुत करना भी है, अजरासो का एक अर्थ स्तुत न करने वाले भी हो सकता। यदि नकारात्मक अर्थ में अजरासो का प्रयोग हुआ होगा तो हम इस स्तुत न करने वाले अर्थ ग्रहण करेंगे, और यदि सकारात्मक रूप से कहा गया है तो अजरासो का अर्थ जरा रहित जीर्ण न होने वाले ग्रहण करेंगे। यह पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए अवसर के अनुकूल अर्थ करते हैं, शब्द अनेकार्थी होते हैं यह स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं। तो इसके अजरासो जरा रहित दमाम, दम धातु है दमन करना और दया करना भी, यहां भी दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। दमाम दमन करने वाले तथा तो दया करने वाले दया, अरित्रा अरित्रा अरि से त्राण देने वाले। अरि क्या है, सामान्यतः हम लोगों ने सुना है अरि शत्रु का पर्याय है, तो सहज भाव से लोग इसका अर्थ शत्रु लिख देते हैं। जब हम प्रामाणिक शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो केवल शत्रु कहने से बात पूरी नहीं, मंत्रार्थ में शत्रुओं से बचाने वाले लिखा है ठीक है, देखिए अरि को शत्रु क्यों कहा गया, रि धातु का अर्थ गति करना है, व्याप्त होना भी है, महत्व दिखाना भी है, साथ में हिंसा करना भी है। यहां ये अरि शब्द जो बना है
रिहिंसने धातु से बना, हिंसा करने के अर्थ। तो अरि का अर्थ हो गया हिंसा करने वाले, जो हिंसा करने वाले हैं वे हमारे शत्रु हैं। हम वैदिक हैं, अहिंसक हैं, प्राणी मात्र पर दया करने वाले हैं। तो जो हिंसा करने वाले हैं वे हमारे शत्रु हैं, वे हमें शत्रु मानते हैं, तो हमको भी मानना पड़ेगा। हिंसक को हम कब तक मित्र मानकर स्वयं को भ्रम में रखें, हमें स्वीकार करना पड़ेगा वे हिंसक हैं तो शत्रु हैं, उनसे सावधान तो रहें ही। आवश्यक हो तो हिंसा का प्रतिकार हिंसा से भी करेंगे, यथा संभव हम हिंसा से बचेंगे, ठीक है। अरित्रा अरि अर्थात हिंसक से प्राण करने वाले, बचाने वाले, हिंसकों से बचाने वाले, दमाम अरित्रा कह सकते हैं दयालु जनों को हिंसकों से बचाने वाले, ऐसा भाव भी ग्रहण कर सकते हैं। अजरासो जीर्ण न होने वाले, जरा रहित और दयालुओं को हिंसकों से बचाने वाले, अरे चत अर्चना करें, अर्चना करते हैं, धूमासो का अर्थ, धू धातु का अर्थ है कंपन करना, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि हम लोग धातु अर्थ पर ध्यान दे रहे हैं, यहां धूम आया है, धूम को सामान्यता जब हम कुछ जलाते हैं तो अग्नि ज्वाला के साथ धुआं भी निकलता है, उसे भी धूम कहते हैं। ये लोक व्यवहार में रूढ़ अर्थ है। शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे तो धू धातु का अर्थ कंपन करना, कंपित होना ही है। धूम का अर्थ कंपन हुआ, इसे धा धातु का अर्थ धारण करना था उससे धाम बना, ध्री धातु का अर्थ धारण करना है तो उससे धर्म बना, धू धातु का अर्थ कंपन करना है उससे धूम बना, तो इसका अर्थ कंपन ही हुआ। तो अर्चत धूमासु जो पूजा करने वाले हैं, कहें उनको कंपित करने वाले या जो कंपनशील हैं उनकी पूजा करने वाले, इस समास में दोनों प्रकार से अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। अर्चत धूमासो अर्चना करने वालों को कंपन देने वाले, जो कंपित करने वाले हैं उनकी अर्चना करने वाले, जो अरित्रा पद पूर्व में आया है उससे संगति बना सकते हैं, जो हिंसकों से त्राण देने वाले हैं उनके लिए ये कहा जा सकता है अर्चत धूमासो कंपन करने वालों की अर्चना करने वाले, जो शत्रुओं को कंपाने वाले हैं अपने पराक्रम से, जो शत्रुओं को कपाते हैं उनकी अर्चना करने वाले। काफी कंप धातु है कंपन करना, इसीलिए हम वीर योद्धाओं को कपि कहते हैं, कपि सेना, कपिराज कपिंद्र सेना नायकों को कहा गया है रामायण के संदर्भ में विशेष रूप से, जो अपने बल पराक्रम से शत्रुओं को कपाते हैं उन्हें कपि कहते हैं। उसी भाव को यहां कह रहे हैं अर्चत धूमासो जो अरित्रा शत्रुओं से त्राण देने वाले हैं उन्हीं का विशेषण है। तो मंत्र में देखें
अस्य अजरासो दमाम अरित्रा अर्चत धूमासो अग्नया पावका। अरित्रा के तत्काल पश्चात ये पद आता है अर्चत धूमासो। शत्रुओं से त्राण करने वाले और शत्रुओं को कपाने वालों की अर्चना करने वाले अग्नया पावका, ये अग्निया जो हैं, अग्नया अग्नि का बहुवचन है, लोक भाषा में भी अग्नि का बहुवचन अग्निया, वहां अग्नया था यहां अग्निया है, इतना परिवर्तन तो सहस्रों वर्षों में हो गया। सो भी अग्नि शब्द से हम परिचित हैं, अग्निगतो धातु है, अग्रणी होना, प्रगतिशील होना, तो अग्नया का अर्थ हुआ अग्रणी प्रगतिशील, ऐसे पराक्रमी लोगों का वर्णन हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। शब्द से शब्द को जोड़ते जाइए, मंत्र का भाव स्पष्ट होता जाएगा। अलग से हम कोई उसकी भावार्थ व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हमें स्वयं स्पष्ट नहीं होता जब हम मंत्र की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि ये मंत्र अंत तक हमें क्या संदेश देगा। हम केवल एक एक शब्द को आपके समक्ष पढ़ते हैं, पहले से कोई तैयारी भी नहीं, जैसा आपने पढ़ा वैसा ही आपके लिए मैंने भी पढ़ा। ये सत्य है कि हमने पहले पढ़ा है, पूरा किया है, भाष्य किया है, एक एक शब्द पर गहन चिंतन मंथन किया है, परिश्रम किया है, तब लिखा है, ठीक है, वो परिश्रम तो हम कर चुके, परंतु इतना कार्य हुआ है वो मंत्र को तत्काल ध्यान में नहीं होता ना पूरा का पूरा, तो कह सकते हैं उसको एक नवीन रूप में नए मंत्र के भांति हम भी पढ़ते हैं, जो पूर्व कार्य किया है उसका कुछ लाभ तो मिलता है, स्वाभाविक है। तो कहा गया उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं जो अरित्रा हैं, अग्नि अग्रणी प्रगतिशील हैं, पावका पवित्र करने वाले, धातु का अर्थ पवित्र करना से धू धातु का अर्थ कंपन करना था, पू धातु का अर्थ पवित्र करना शुद्ध करना है, वे हमें वे पवित्र करने वाले। देखिए जो जरा रहित हैं, दयालुओं को शत्रुओं से बचाने वाले हैं, ऐसे शत्रुओं को कपाने वालों की अर्चना करने वाले, अग्रणी प्रगतिशील, पावका पवित्र करने वाले, किसका वर्णन हो रहा है? वेद में आध्यात्मिक अर्थ में मुख्य लक्ष्य तो परमेश्वर ही होता है, तो ये परमेश्वर के गुण हैं, परमेश्वर का वर्णन तो कर ही रहे हैं, यह प्रेरणा भी हम ग्रहण करते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, समाज के नायकों को भी ऐसा होना चाहिए, उनमें भी ये गुण होने चाहिए, तभी समाज सुचारू रूप से चल सकता है। कहते हैं स्वीति चया, उन्हें ये स्वित का शुभ्रता का चयन करने वाला भी होना चाहिए। स्वीति चया में शो धातु का अर्थ है तीक्ष्ण करना, जिसे हम लोग कहते हैं पैना करना। श्री धातु का अर्थ है जाना, चलना, बढ़ना, वृद्धि करना, और चया हमें ची धातु का अर्थ चयन करना। तो जो तीक्ष्ण करने वालों का, वृद्धि करने वालों का चयन करने वाले हैं वे स्वीति चया। स्वात्रासु, स्वात्र का बहुवचन है, जैसे अजरासु अभी हमने पढ़ा था, तो ये वैदिक व्याकरण के अनुसार स्वात्रासु स्वात्र का बहुवचन होगा। स्वात्र क्या है इसे समझें, सौ स्वाधातु है क्षिप्र गति होना, तीव्र गति से चलना, त्राण करना, जो तीव्र गति से त्राण करने वाले हैं उनको कहा गया है स्वात्रासो। भूरण यो, भूरण यवो में
भूरण धातु है, पालन धारण करना ऐसा अर्थ है, पालन करने वाले, धारण करने वाले, जो इतने गुणवान है उनका पालन धारण करना है। और ये कहें जिसके भी हम स्तुति कर रहे हैं वो परमेश्वर या वो समाज के अग्रणी नेतृत्व करने वाले जन, वे देव जन, उनको भी इन गुणों से स्तुत की जा रही है कि वे भी समाज का पालन करने वाले, धारण करने वाले हैं, परमेश्वर और उसके उपासक जो उसके गुणों को धारण करते हैं। वनर सदो, वनः सदा, जहां समास हो संधियां नहीं तोड़ते, सामान्यता ऐसा परंपरा नियम है जिससे ये पता चले कि यहां पर समास है। वनर सदो, तो वन धातु है, शब्द करना, सेवा करना आदि बहुत अर्थ है इसके। सद धातु का अर्थ बैठना है, चलना भी। वनर सदो, जो शब्दशील विद्वान उपदेशक हैं, जो सेवा की भावना रखने वाले हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ चलें, उनको अपने पास बैठाएं, ये भाव। वनर सदो वायवो, ये भी वायु का बहुवचन, वनर सदो भी वनर सद का बहुवचन, वायवो वायु का बहुवचन। अब वायु का बहुवचन यदि सामान्य रूप से जैसा हम लोग वायु शब्द का प्रयोग करते हैं, एक वस्तु के लिए वायु में श्वास लेते हैं, पृथ्वी वायुमंडल से आच्छादित है, ये जो वायु है एक पदार्थ विशेष है, यहां वायु से वो अर्थ लेना उचित नहीं प्रतीत हो रहा। यहां परमेश्वर के गुण बताए जा रहे हैं या परमेश्वर के उपासक समाज के अग्रणी देवजनों के गुण बताए जा रहे हैं, उन्हीं गुणों में एक गुण वायु भी कहा जा रहा है और बहुवचन में कहा जा रहा। तो बहुवचन का अर्थ ये भी ले सकते हैं, परमेश्वर तो एक है तो समाज के अग्रणी देवजनों के लिए कहा जा रहा है, या कह लें वायु से जिन गुणों की चर्चा कर रहे हैं वे गुण बहुत अधिक हैं, इस अर्थ में बहुवचन किया गया हो। अब वायु शब्द का यहां अर्थ समझना अनिवार्य हो गया, क्योंकि यहां पर वायु पदार्थ की बात हो ही नहीं रही है, केवल गुणों का वर्णन है। तो वायु शब्द में कौन कौन से गुण ग्रहण किए जा सकते हैं, ये समझना यहां हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, आवश्यक अनिवार्य भी हो गया है। वह धातु का अर्थ है जाना, चलना, उड़ना, ये गुण भी है। वह धातु का अर्थ है गति करना, चलना, तो ये तो हो गया। गंध होना भी है, प्रवाहित होना है, प्रवाहित करना है। सामान्यता इसी अर्थ में वायु को अर्थात उस पदार्थ को वायु नाम दिया गया है। वी धातु से भी वायु शब्द बन सकता है जिसका अर्थ है जाना, चलना, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना, खाना भी। वे धातु से भी वायु शब्द बन सकता है इसका अर्थ है बुनना, रचना करना, सृजन करना। वे बुनना धातु है मुख्य रूप से, तो बुनने में रचना सृजन का अर्थ स्वाभाविक है। तो जब हम वायु कहते हैं परमेश्वर को या किसी व्यक्ति को, तो वायु में इन सारे गुणों की परिकल्पना भावना है। जो वायु है ईश्वर वायु है, कोई व्यक्ति को हम उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए उसे वायु स्वरूप कह रहे हैं, जैसे हम अग्नि कहते हैं अग्रणी प्रगतिशील व्यक्ति या परमेश्वर को, वैसे ही वायु भी जब हम परमेश्वर या व्यक्ति को कहते हैं तो उनमें ये सभी गुणों की अपेक्षा होती है। वे गतिशील प्रगतिशील है, गंध युक्त है, प्रवाहित है, समाज में विद्या का प्रवाह करने वाला है। विधातु से वो व्याप्त भी है,
व्यापक भावना वाला है। आदि आदि इन धातुओं से जो भी अर्थ हैं, जो भी गुण हम ग्रहण कर सकते हैं, वे सभी गुण इस वायवो वायु में, वायु शब्द में ग्रहण किए जाएंगे। न सोमा, अब इस न को और समझना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। न का सामान्यता अर्थ संस्कृत भाषा में तो एक और केवल एक होता है, नहीं, नकार निषेध, ऐसा नहीं है। वेद में ये अर्थ भी कहीं कहीं होता है, इसके अन्य अर्थ भी होते हैं। यहां अगर नहीं कह देंगे तब तो अब तक जितने गुण हमने पढ़े परमेश्वर के लिए या समाज के अग्रणी देवजन के लिए, सब व्यर्थ हो गए। बोले ये तो कुछ है ही नहीं। यहां ना का अर्थ निषेध नहीं है, नकार नहीं है, ना का अर्थ है समान, उसके समान, जिसे संस्कृत में यो आता है। देव यो देव के समान, उस रूप में समान। वायवो ना, वायु के समान। अब ये ना अंत में आया है, जितने गुण हमने पढ़े इस पूरे मंत्र में प्रारंभ से अब तक, ये ना सबके साथ जुड़ गया, इन सबके समान क्या है? सोमा। अब सोम क्या है? महत्वपूर्ण है, रोचक है, जान ले, समझ ले, ये सोम क्या है। सोम शब्द में सु धातु, सृजन करना, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, और सु दीर्घ उकार सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना, तो इसका अर्थ हुआ सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा करने वाला। सोम क्या है? जो सृजनशील है, सृजन करने वाला है, ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य देने वाला है और प्रेरणा करने वाला है, सबको प्रेरणा देने वाला है, इन गुणों से युक्त हम किसे कह सकते हैं? वह परमेश्वर है। वेद में उस परमेश्वर का एक नाम सोम भी है। जो कहें पूरा मंत्र पढ़कर यह प्रतीत होता है, इसमें मुख्य शब्द परमेश्वर को सोम नाम से ही कहा गया और उसके अन्य इतने गुण विशेषण के रूप में बताए गए। वह जो सोम परमेश्वर है, जो सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरणादाता परमेश्वर है, उसके ये गुण भी हैं जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। यह इस मंत्र की प्रेरणा है। वेद में सामान्यता ऐसा होता है, पहले भी अनेक मंत्रों की व्याख्या में हमने चर्चा की है, हम परमेश्वर के गुणों की स्तुति करते हैं और उससे यह प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें अपने में भी ये गुण धारण करने चाहिए। ओम। हम यहाँ अपने इस चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोगों को जो कुछ भी प्रश्न विचार रखने हैं रख सकते हैं। ओम। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, ना प्रश्न हो गया समापन कर दें। ओम। स्वामी जी नमस्ते। ये शब्द यहाँ पर आया अरित्रा, तो शत्रुओं से बचाने वाले, हिंसकों से बचाने वाले, तो क्या हिंसकों की हिंसा करना उचित होगा? जबकि हम बात तो अहिंसा की करते हैं जगह जगह। यह बात तो अनेक मंत्रों में आई है कि हिंसकों की हिंसा कर सकते हैं। अनेक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है दूर्वंतम, हिंसा ही करनी है तो हिंसकों की हिंसा करो, जो सबकी हिंसा कर रहे हैं उनकी हिंसा करो, क्योंकि अहिंसा की यह सीमा है।
हम प्रयास करेंगे हिंसक को भी सदमार्ग पर लाने का। ऐसा अनेक मंत्रों में निर्देश है कि जो हिंसक हैं उनको भी हम सदमार्ग पर लाएं, परंतु एक सीमा के पश्चात आप क्या करेंगे? जब और कोई उपाय न हो तो अंतिम उपाय के रूप में हिंसक की हिंसा की जा सकती है। यह वेद का निर्देश है। वेद हमको अकर्मण कायर नहीं बना रहा है, अहिंसक बना रहा है। अहिंसा वीरों का शस्त्र है, कायरों का आवरण नहीं है। गांधी जी से ये प्रश्न होते थे बहुधा, कहते हैं मद्रास विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में बुलाए गए थे, वहां कुछ छात्रों ने प्रश्न किया कि आप इतनी अहिंसा की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है ना, उनका अहिंसा वीरों का अस्त्र है, कायरों का आवरण नहीं है। डर के कारण घर में बैठे रहने की अपेक्षा लड़ लेना अधिक अच्छा है। आधुनिक युग में अहिंसा के सबसे बड़े प्रवक्ता गांधी ने दो टूक कहा प्रश्न करने पर कि डर के कारण यदि आप घर में बैठे हैं तो लड़ लेना अधिक उत्तम है। यदि आप हिंसक के सामने अहिंसा व्रत का पालन करते हुए सीना तानकर खड़े हो सकते हैं तब आप अहिंसक हैं। भय से घर में बैठे हैं तो आप अहिंसक नहीं हैं। अहिंसा वीरों का अस्त्र है, कायरों का आवरण नहीं है। ये स्पष्ट कहा गया है और ये वेद की ही बात कही उन्होंने, अलग से कुछ नहीं कहा। वेद ने यही कहा है जहां तक संभव हमें अपनी ओर से हिंसा नहीं करनी है, अहिंसक को भी समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना है, और जब अन्य कोई उपाय शेष ना रहे तो फिर हिंसक की हिंसा की जा सकती है, अहिंसक की हिंसा नहीं करनी है, ये अवश्य कहा गया है। यदि कोई अहिंसक है, सामान्य जीवन जी रहा है, आपसे बात कर रहा है, यदि वैचारिक मतभेद है तो हम उसकी हिंसा करें यह अनुचित है। वैचारिक मतभेद है तो विचारों का उत्तर विचारों से दीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए, संवाद कीजिए, परंतु यदि वो हिंसा कर रहा है तो फिर तो हिंसा का उत्तर हिंसा देना पड़ सकता है। इसमें इसको वेद ने कहीं नहीं रोका है, अनेक मंत्रों में चर्चा की है। हो सकता है उस समय आप न रहे हों, ये विद्यार्थी हमारे बच्चे जानते हैं, अनेक बार ये बात हुई है। ओम जैसे अभी कुछ घटनाएं घटनी है तो उसमें जब भीड़ आक्रमण करती है तो क्या किसी आक्रमणकारी के ऊपर जो व्यक्ति जिसके ऊपर हमला हो रहा आक्रमण हो रहा वो उनकी हिंसा कर सकता है? यहाँ पर अवश्य कर सकता है, करना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये तो वेद भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है, आज का अधिनियम भी कहता है, आत्मरक्षा के लिए आप शस्त्र उठा लेते हैं, हिंसा करते हैं तो न्यायालय आपको दोषी नहीं मानता। आत्मरक्षा के लिए प्रहार करने का अधिकार तो वेद ने भी दिया है और वर्तमान संविधान न्याय व्यवस्था ने भी दिया। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी स्वामी जी इसी विषय में बात हो रही थी हमारी हरीश भैया जी के साथ, तो मैं अपना पक्ष रख रहा था अहिंसा का, कि किसी भी कारणवश जो है हिंसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई किसी के साथ मतलब कोई बैर हो जाए तो संध्योपासना करके जो है बैर मुक्त हुआ जा सकता है, हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हरीश जी बोल रहे थे कि नहीं, अगर अगर आपकी कोई हिंसा करता है तो आत्मरक्षा के लिए जो है आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, इस प्रकार बता रहे थे। तो मैंने यही बोला कि नहीं, मैं तो अहिंसा ही रहूँगा, शस्त्र वगैरह मैं नहीं उठाऊँगा। नहीं तो ऐसे में क्या करेंगे आप, यदि एक हिंसक पशु आक्रमण कर देता है हम बचाव नहीं करेंगे तो वो तो हमें मार देगा, तो वो एक अलग विषय है कि अब है ना, इसकी इसे तो कोई भी
नहीं कहता कि ठीक है कि आप अनावश्यक रूप से अपने प्राण दे दें, आप समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कोई आपकी हत्या कर दे, आप अपने सुरक्षा भी ना करें, तो आपका जीवन तो समाप्त हुआ, पूरे समाज को हानि हुई, आपसे जो समाज को लाभ मिल सकता था वो नहीं मिला, तो एक तरह से तो ये अच्छी बात नहीं हुई ना, पूरे समाज की हानि हुई। यदि एक अच्छा व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं करता और वह मारा जाता है तो समाज की हानि हुई ना, यदि जानबूझकर वो स्वयं नहीं करता है तो ये तो अनुचित हुआ, उसने अच्छा नहीं किया है कहा जाएगा, ये तो उसका भी अपराध है। रक्षा नहीं कर सका एक बात अलग हो गई, लेकिन हमने रक्षा किया ही नहीं, यह तो उचित नहीं है। यदि दयानंद जी की हत्या न होती तो उनका वेद भाष्य कार्य पूर्ण हो गया होता, आज हमें उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, मैं बिल्कुल मानता हूं। प्रसंग आ गया तो मैं कह दूं, मैं ये बात कहता हूं कि दयानंद जी चारों वेदों का भाष्य एक बार पूरा कर लेते और कुछ समय के बाद उसका पुनः परिष्कार संशोधन संपादन करके दूसरा संस्करण निकालते, इतना यदि वो कर पाए होते, उन्हें समय मिल जाता, 10-20 वर्ष वो और ईश्वर की कृपा से हमारे बीच रहते तो इतना कार्य पूरा कर देते, तो मुझे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। मुझे बहुत अधिक परिश्रम इसीलिए वेद के कार्य में करना पड़ा, क्योंकि दयानंद जी असमय चले गए, वो उस कार्य को वो पूरा नहीं कर सके। उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसे पूर्ण कर देता तो हमारा परिश्रम इतना नहीं लगता, यदि कुछ लगता समय के अनुसार तो उसी में कुछ टीका टिप्पणी करके हमारी बात बन जाती। तो ये तो हमें देखना होगा कि जो समाज के लिए उपयोगी है उनकी सुरक्षा करनी होगी, भले ही उसके लिए कुछ अन्य लोगों की हिंसा करनी पड़े, तो वेद इसकी अनुमति देता है और हमें भी ये उचित लगता है, इतना तो हमें सोचना चाहिए। ओम जी, ठीक है स्वामी जी, तो मैं मानता हूँ कि आत्मरक्षा करने के लिए शस्त्र उठाए जा सकते हैं। और वेद में एक मैंने मंत्र भी पढ़ा था स्वामी जी, कि हमारे घर में तलवारें रखी हुई हैं, ऐसा करके एक मंत्र भी है मैंने पढ़ा था, तो उससे भी यही सिद्ध होता है कि हम रक्षा के लिए तलवारें रख सकते हैं घर में। जी, वो तो रखनी पड़ती, पहले ऐसे आश्रम या बस इतने बड़े बड़े नगर नहीं होते थे, वनों से घिरे होते थे, तो हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए ये अनिवार्य होता था। राम को वनवास हुआ, सारा राज्य की सुख त्याग कर वो वन को गए, परंतु धनुष बाण तलवार ये सब तो साथ ले गए, सारे सुख संपदा त्याग दी परंतु शस्त्र नहीं त्यागे, क्योंकि शस्त्र त्याग देते तो जीवित वापस नहीं आ पाते। रावण के युद्ध की बात नहीं कर रहा, वनों में तो आपको प्रतिक्षण हिंसक पशुओं से युद्ध करना पड़ता है, आप उन्हें नहीं मारेंगे तो वो आपको मारकर खा जाएंगे, तो वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। आप वन में रह रहे हैं हिंसक पशुओं के बीच में, यदि आप में इतना शस्त्र बल पराक्रम नहीं है तो आप जीवित नहीं रह सकते, वहां वो जीवित रहने की अनिवार्य आवश्यकता है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो अब समय भी हो गया है, किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, अन्यथा समापन कर सकते हैं। ओम तो स्वामी जी, सेल्फ डिफेंस में ही हथियार खड़ा करना चाहिए ना स्वामी जी, अनावश्यक रूप से नहीं ना। कहा तो अहिंसक की हिंसा नहीं करनी है, एक भला आदमी है अनावश्यक आप उसकी हिंसा करेंगे तो अपराध है, अहिंसक की हिंसा नहीं करनी है। दयानंद जी की हत्या हुई ये ठीक नहीं हुआ, जिसने हिंसा की वो दोषी है अपराधी है। श्रद्धानंद जी की हत्या हुई, हत्यारा है वो अपराधी है, उसे दंड मिलना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या हुई, वो हत्यारा है अपराधी है, उसे दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अहिंसक की हिंसा हुई। दयानंद जी अहिंसक थे, श्रद्धानंद जी अहिंसक थे, महात्मा गांधी अहिंसक थे, तो अहिंसक की हिंसा करना ये अपराध है। और चंद्रशेखर आजाद लड़े आतताइयों से, भगत सिंह ने किसको मारा, हिंसक को, तो जो हिंसकों की हिंसा कर रहे हैं उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं, उन्हें हम पूजते हैं, वे हमारे लिए सम्माननीय है, ये देखना होगा। भगत सिंह ने किसको मारा, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई,
जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, यदि लाला लाजपत राय उस लाठी चार्ज में नहीं मारे जाते तो देश को और प्रखर नेतृत्व तो दे सकते थे, हो सकता है देश का भविष्य और अच्छा होता, लाला लाजपत राय जी का समय निधन न होता, वे देश को नेतृत्व दे पाते तो देश को और उत्तम मार्ग मिल सकता था। तो ऐसे हत्यारे की हत्या भगत सिंह ने की, इसलिए हम उन्हें क्रांतिकारी बलिदानी कहते हैं, हम उनको हिंसक नहीं कहते, भगत सिंह हिंसक नहीं है, वे क्रांतिकारी हैं, बलिदानी हैं। परंतु जिन्होंने अहिंसक की हिंसा की, जिन्होंने दयानंद जी की हत्या की, जिन्होंने श्रद्धानंद जी की हत्या की, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, वे हत्यारे हैं, वे अपराधी हैं। इस भाव को हमें समझना होगा, हिंसक की हिंसा कर की जा सकती है, अहिंसक की हिंसा नहीं की जा सकती, मुख्य बात हमें यही समझना है। ओम। अब मुझे लगता है कि समापन करें। ठीक है, तो समापन किया जाए। ओम। जी स्वामी जी। ओम यो असो आदित्य पुरसा सो असो अहम ओम खम्रम ओम खम्रम। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरसा सो असो अहम ओम खम्रम ओम खम्रम। सभी को साधन नमस्ते जी। ओम ओम यो सोवादित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो सो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते। ठीक है, कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति। ओम नमस्ते। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म।